बॉलीवुड की नटखट हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों मीडिया में खूब छाई हुई हैं। जी हाँ, और इनके लाइमलाइट में बने रहने का कारण इनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी खबर है जिसकी वजह से आज जैकलीन फर्नांडिस को हर तरफ ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ तक कि इन्हें अपनी इस गलती की वजह से अपने करियर से भी हाथ धोना पड़ चुका है, जहाँ हर कोई इन्हें काम देने से दूर भाग रहा है। तो आखिर ऐसी कौन सी गलती कर बैठी हैं जैकलीन फर्नांडिस जिसकी वजह से इनका कैरियर दांव पर लग चुका है, आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड इंडस्ट्री की नामी अभिनेत्रियों में शामिल होती हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई ऐसी फिल्में दी हैं जिसे दर्शक देखना खूब पसंद करते हैं, जिनमें फ्लाइंग जाट, किक और जुड़वा 2 जैसी फिल्में शामिल हैं जिसकी वजह से दर्शक इनकी एक्टिंग और अदायगी को खूब पसंद करते हैं। जैकलीन फर्नांडिस जितनी अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही ये अपनी सुंदरता की वजह से भी जानी जाती हैं। ना इनके कई फैंस इनकी स्मार्टनेस के भी दीवाने हैं। लेकिन अगर बात करें जैकलीन फर्नांडिस की उस गलती के बारे में जिसकी वजह से इनका कैरियर दांव पर लग चुका है, तो आपको बता दें श्रीलंकाई सुंदरी जैकलीन फर्नांडिस का बॉलीवुड करियर खतरे में पड़ गया है। उनके 12-13 साल पुराने करियर को हमेशा या तो मल्टी स्टारर फिल्मों का सहारा मिला या फिर सलमान खान का। पिछली 3 फिल्में बच्चन पांडे, अटैक और विक्रांत रोना बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों उनका नाम सैकड़ों करोड़ों की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ा, उससे इनका नाम अपराधी की सूची में शामिल किया गया है। इसी वजह से कभी सलमान खान के फिल्मों में मशहूर होने वाली जैकलीन का करियर खतरे में पड़ गया है। लोग इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और इन्हें लेकर काफी बातें बना रहे हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों ने उनसे दूरी बना ली है। जैकलीन के खिलाफ इस मामले में जिस तरह से केस दर्ज हुए हैं उसके बाद से उनके हाथ से फिल्में निकलनी शुरू हो गई हैं। इन्हें कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में काम करने नहीं दे रहा, ना ही जैकलीन के पास किसी तरह का प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से जैकलीन काफी ज्यादा परेशान हो गई हैं। जहां इन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूं। वेल दोस्तों, इस खबर के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसी बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।